मेरी कॉल तो नहीं हुई। तो इस बात के ऊपर कोई प्रश्न है? भैया एक चीज जाननी थी कि हाँ वेदना जैसे अनुकूल या प्रतिकूल, हमें ये पता है कि अनुकूल है और प्रतिकूल है, तो वो हमारे छोड़ने के बस में है? लाइक हमें जब तक इंद्रियां हैं तब तक तो हमें वेदना होगी ही होगी, हम सिर्फ कषाय छोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वेदना तो हमें हमेशा होगी ना भैया? तो मैं इसमें डिटेल में जाता हूं थोड़ा सा। भैया तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान से समझना, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन है अपूर्वा जी का कि वेदना तो हमें होगी ही होगी, हम कषाय को तो हम छोड़ सकते हैं मगर वेदना तो होगी ही होगी। इसको अपन थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो ये वेदना होती कैसे है? ये साता या असाता, वेदनीय कर्म के उदय या उदीरणा, उदय और उदीरणा से होती है। उदय और उदीरणा, अब ये उदय क्या है और ये उदीरणा क्या है, ये अपन समझेंगे बाद में, आप बस इतना ध्यान रख लें। कषाय जो होती है वो चारित्र मोहिनी के उदय से होती है, ठीक है, उदय भी होता है और उदीरणा भी होती है। अब क्या होता है जब आप कषायों को शांत कर देते हैं, तो कषायों को शांत करने से मात्र कषाय ही खत्म होती है, वेदना खत्म नहीं होती। मगर डीपर लेवल पे क्या होता है, जब हमारी कषाय खत्म होती है, हमारी कषाय मंद हो जाती है, तो मंद कषाय होने की वजह से कुछ स्पेशल चीजें आत्मा में होती हैं। क्या होंगी? एकदम से साता वेदनीय का आश्रव शुरू हो जाएगा, ठीक है, साता वेदनीय का आश्रव शुरू हो जाएगा। साथ में जो आपका स्टॉक है आत्मा में, उसमें जो असाता वेदनीय पड़ी हुई है, वो असाता वेदनीय उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, और असाता वेदनीय थोड़ी बहुत कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी साता वेदनीय में। पर असाता जो दुख पहुंचा रही थी, असाता वेदनीय दुखद वेदना देती है और साता वेदनीय सुखद वेदना देती है। असाता वेदनीय कैसी वेदना देती है? दुखद, और ये देती है सुखद। तो असाता वेदनी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब जो कर्म मेरे को दुखी कर रहे थे उन कर्मों की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और वो जो कर्म मेरे को दुखी दे रहे थे उसमें से कुछ कर्म कन्वर्ट होकर के साता में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इससे इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि मेरा जो असाता का उदय चल रहा था वो साता में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कन्वर्ट ना हो उदय, तो असाता की उदीरणा खत्म हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। अगर हमारी कषा इतनी मंद हो गई, कोई साधु महाराज हैं और वो सातवें गुण स्थान में है, तो सातवें गुण स्थान में ये उदीरणा नहीं होगी, मात्र उदय से ही वेदना होगी, तो उसमें उसकी वेदना भी उनकी कम हो जाएगी। यहाँ तक कि समाधि तंत्र कई कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जब मुनि महाराज निर्विकल्प अवस्था में चले जाते हैं तो उनकी वेदना खत्म हो जाती है। ये हुई मुनि महाराज की बात। श्रावकों के लिए भी ऐसा देखा गया है कि जब हम अपनी कषाय कम कर लेते हैं तो वेदना भी हमारी कम हो जाती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कितने ही लोग हैं जो अपना अनुभव बताते हैं कि रात को वो लेटने गए, सोने गए, उनकी बहुत ही सिर में दर्द हो रहा था, और उसके बाद में उन्होंने जो है आत्मा का ध्यान करना शुरू किया, और मतलब थोड़े अच्छे भाव किए, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, उनका सिर का दर्द कम होना शुरू हो गया। ऐसे बहुत लोग इस प्रकार का अनुभव बताते हैं, ठीक है। तो श्रावकों के भी जब वो कषाय कम करेंगे तो उनके भी ये सब चीजें होंगी, उतनी नहीं होंगी जितनी साधु महाराज की होंगी, बट कुछ कम लेवल की होंगी। उनकी भी असाता का जो उदय है और उदीरणा है, उनकी भी उदीरणा खत्म तो नहीं हो पाएगी मगर कम हो जाएगी, हो सकता है खत्म होकर के उनकी भी साता में कन्वर्ट हो जाए, बट उदय उदीरणा अगर असाता की हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी उनकी भी कम होने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो ये इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, जो मैंने थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मैंने कम शब्दों में समझाने की वो करी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो बताइए, और समझ में आया हो और कोई प्रश्न हो तो बताइए।
नहीं भैया, समझ में तो आ गया। ओके okay. अंकिता जी आपको समझ में आया? जी भैया। ओके okay, चलो बहुत बढ़िया। और और सुनो कोई? भैया, ये है हाँ ना, रोहिणी दीदी से बात हुई थी तो हम ऐसे ही वो डिस्कशन होता है कई बार हमारा स्वाध्याय को लेके ना, कि कुछ समझ में नहीं आता, भी डिस्कस समटाइम्स। तो ये क्वेश्चन हाँ तो उन्हीं के हम बात कर रहे थे तो उन्होंने किया था, तो आई आस्क्ड ऑन हर बिहाफ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, रोहिणी जी को भी जी आ जाएगा। हाँ और कोई प्रश्न? भैया, हाँ 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 एक क्वेश्चन है भैया। हम ये हाँ सुख और दुख का इंद्रिय से रिलेट करके और फिर कषाय पे जाती है हमारी जो ये वेदन अनुभव होता है। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे चिंतन चल रहा था कि बहुत लोग हैं जैसे कोई है ना, समुद्र के किनारे बैठ के लहरों को देख के उनका मन बहुत शांत होता है, कोई पहाड़ियों में बैठ के वादियों को देख के मन शांत होता है, कोई जैसे हम सब में शिखर जी की बात करें वहां बैठ के उनका मन बहुत शांत होता है। तो ये अलग अलग जगह पे मन शांत हो रहा है, उन्हें अच्छा अनुभव हो रहा है, तो ये भी वेदन में ही आएगा क्या भैया? उसमें दो चीजें होती हैं। देखो जो हमें सुख होता है ना, सुख सुख दो तरह का होता है, एक शारीरिक सुख जो कि इंद्रिय सुख है, जिसे आप इंद्रिय सुख भी कह सकते हैं, इंद्रिय सुख शास्त्रीय शब्द है, और काशाइक सुख मतलब कषायों की मंदता से होने वाला सुख है ना। दो प्रकार के सुख होते हैं, जिसको अपन शांति बोल देते हैं शास्त्रों में, इसको कुछ और मानसिक सुख बोलते हैं, कोई भी शब्द ले लो आप। तो जैसे आप कोई वादियों के पास में बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वादियां हैं, बड़े अच्छे सुंदर पेड़ हैं या जो भी है बीच वगैरह, आप बैठे हैं, अच्छी आराम से हवा आ रही है, तो वो जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उससे क्या हो रहा है, हमारा शारीरिक दुख जो है वो मिट रहा है और हमें अच्छी वेदना हो रही है। और जब वेदना हमें अच्छी हो रही है तो हमें संतुष्टि हो रही है कि देखो कितना अच्छा वातावरण है। तो हमारे अंदर जो एक हमारे अंदर एक लोभ कषाय रहती है कि हमें अच्छी वेदनाएं हों, हमें इंद्रिय सुख मिले, वो जो हमारी लोभ कषाय है वो एकदम उस समय फुलफिल हो जाती है। जैसे होता ना कि आपको बड़ी भूख लगी है और आपको जो है खाना खिला दिया किसने, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, तो आप एकदम शांत हो जाते हो कि यहाँ चख गए, मजा आ गया। उसी प्रकार से जब आपको जब इंद्रिय सुख मिला तो आप उसे चख जाते हो और आप कहते हो, आप तृप्त हो जाते हो उसे थोड़ी समय के लिए, और वो तृप्ति से क्या होता है, आपको संतोष का एहसास होता है, और वो संतोष से आपकी कषाय भी, जो संतोष का मतलब क्या है, कषाय आपकी मंद हो गई, और कषाय मंद हो गई इसलिए आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होता है और शारीरिक सुख का तो आपको अनुभव हो ही रहा है क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वेदनाएं हो रही हैं। ठीक है भैया। समझ में आया? हाँ भैया, है ये शारीरिक सुख से ही संतोष प्राप्त हुआ है फिर हमें। हाँ शारीरिक सुख से ही हमें संतोष, बहुत बढ़िया, शारीरिक सुख से ही हमें संतोष प्राप्त हुआ है। ठीक है भैया। हाँ अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है भैया तो प्रशंसा मतलब। प्रशंसा कोई करे तो हमें खुशी होती है, ये खुशी क्यों होती है? ये हमारे खुशी अभिमान की पूर्ति होती है शायद, कि हम थोड़े अभिमान से की अच्छे हैं पूर्ति होती है। हाँ बहुत बढ़िया, अभिमान की शायद। पूर्ति की वजह से होती है। तो इसका कारण क्या हुआ, अभिमान की पूर्ति, तो अभिमान की पूर्ति से क्या फायदा हुआ? अपूर्वा जी आपका कोई विचार इसके बारे में? भैया ऑफ कोर्स, कोई प्रशंसा करता है तो खुशी होती है। क्यों होती है? आप लोग सोचिएगा इसके बारे में, फिर भैया आगे। भैया हाँ, एक विचार है, शायद हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं औरों से। आप लोग इसके बारे में वैसे मैं बता देता हूँ, मगर आप सोचिएगा तो मजा आएगा। आप रोहिणी जी से भी चर्चा कीजिएगा, अपूर्वा जी। भैया और जी बिल्कुल हाँ आप सोचिएगा कि क्यों जी। खुशी होती है, और कोई निंदा करता है तो दुखी क्यों होते हैं आप, दोनों चीजों के बारे में आप सोचिएगा और फिर अपन अगली बार इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? ऑल राइट भैया एक तो हाँ क्वेश्चन है, हम चर्चा जी करें उससे पहले, क्या यहाँ पे भी हाँ हमारे कर्मोदय साथ में होते हैं क्या? कर्मोदय सारी जगह है, कर्मोदय ओके। सारी जगह है। आप ये सोचिए बैठ के कि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारी खुशी क्यों होती है ना? ठीक है चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा हो गया था, ठीक है, ये पूरा हो गया था, है ना। ये इसमें भेद विज्ञान का मैंने बताया था पिछली बार, वो सब समझ में आ गया था। हाँ भेद विज्ञान भैया हमारी दो क्लास पहले आपने समझाया था, हो गया अभी। हाँ बहुत बढ़िया। लाख बात की बात यही उर निश्चय लाओ, सकल जगदंद फंद तोरी निज आत्म ध्याओ। तो जितने भी दुनिया की बातें हैं उन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपनी आत्मा का ध्यान करो, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई मेरा है, ना कोई मेरे लिए अच्छा है और ना कोई मेरे लिए बुरा है। इसके बारे में आप चिंतन कीजिएगा पूरे हफ्ते, क्या ना कोई मेरा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। इसके बारे में आप पूरे हफ्ते होमवर्क लीजिए और ये चिंतन कीजिए, ठीक है। तीन चीजें हैं, ना तो कोई मेरा है, इसे आप होमवर्क के रूप में वहां पर भी डाल सकते हैं अपूर्वा जी ग्रुप पे। इन तीन चीजों के ऊपर चिंतन करना है सबको, ना तो कोई मेरा है, ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो आप बताओ व्यक्ति करेगा क्या। अब वो यही सोचेगा, जब कोई मेरा है ही नहीं, ना कोई अच्छा नहीं है, ना कोई बुरा है, तो मुझे किसी से संपर्क रखने से फायदा क्या है, मुझे क्या इंटरेस्ट है, उसका किसी जगह पर मनी लगेगा। अब उसे तो मने, जब कोई मेरा है ही नहीं तो इन सबसे, इन सबके पास में रह करके मेरे को दुखी होता है, इनसे राग करके कर्म ही बंधन होता है और मैं खुद ही दुखी होता हूं, तो क्यों ना मैं इनसे छूट जाऊं और मुक्त हो जाऊं, ठीक है। ये सारी बातों का क्या सार है, सकल द्वंद तोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए बहुत। ना कोई मेरा है इस दुनिया में, ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये बता रहे हैं, सकल ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश और सकल तसु भेद कहिजे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन, अभी हमने सम्यक ज्ञान की बातें कर ली, अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट हो रहा है कि एक बार आपको सम्यक दर्शन हो गया, एक बार आपको सात तत्वों का पूरा अच्छे से ज्ञान हो गया, आपको श्रद्धा हो गई सात तत्वों के ऊपर, जब श्रद्धा हो गई तो क्या करें, अब आचरण में लाओ, अब सम्यक चारित्र ग्रहण करो। वो सम्यक चारित्र कैसा है, दो प्रकार का, ये दो टेक्निकल वर्ड्स अपन याद रखें, दो प्रकार का सम्यक चारित्र है, एक एक देश चारित्र है और एक सकल चारित्र है। सकल का मतलब होता है पूरा संपूर्ण और एक देश का मतलब होता है पार्शियल। देश, देश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, देश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, और एक देश का मतलब एक टुकड़ा, तो पूरे में से एक टुकड़ा, ये एक देश है, ये पूरा है और पूरे में से ये एक देश, एक टुकड़ा है, मतलब जो पूरा चारित्र है। सकल चारित्र कैसा है, पूरा चारित्र, और एक देश चारित्र क्या है, पूरा चारित्र नहीं है, मात्र एक टुकड़ा है उसका, थोड़ा सा है, इसको आप अंग्रेजी में पार्शियल बोल दीजिए, जो मर्जी बोलना है आप बोल दीजिए, ठीक है। तो जो पूरा चारित्र है, मतलब पूरे चारित्र में क्या होगा, सारे पापों का त्याग हो जाएगा, सारी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, ना कोई इंद्रियां चलेंगी, ना कोई हिंसा होगी, ना हिंसा, झूठ, चोर, चोरी, परिग्रह, कुशील, पूरा का पूरा त्याग हो जाएगा, वो सकल चारित्र कहलाएगा, वो साधु महाराज को होगा। और एक देश चारित्र जो पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कर पाएंगे, वो एक देश चारित्र किसको होगा, वो श्रावक को होगा, ठीक है, जो प्रतिमाधारी होते हैं वो एक देश चारित्र जो है धारण कर पाएंगे। तो ये दो प्रकार के हैं, इनको याद रखिए, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। अब प्रश्न हुआ कि अब ये होते क्या है चारित्र, तो अगला जितना भी ग्रंथ हमारा बचा हुआ है उसके ये ही चर्चा करेंगे कि एक देश चारित्र क्या है और सकल चारित्र क्या है। पहले श्रावकों के चारित्र की चर्चा होगी इस वाली ढाल में, चौथी ढाल में, और फिर उसके बाद छठी ढाल में सकल चारित्र के बारे में पूरी चर्चा होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये अगला है, त्रस हिंसा को त्यागी व्रथा था वर्ण सहारे। अब जो एक श्रावक होता है, वो श्रावक कैसा होता है, एक देश चारित्र,
एक देश चारित्र, एक देश चारित्र वाला होता है। ये एक देश चारित्र वाला कैसा होता है, अब उसके लिए हम बताते हैं। वो अहिंसा का अणुव्रत, अणुव्रत को धारण करता है। क्या करता है? अहिंसा अणुव्रत। तो दो प्रकार के अहिंसा के व्रत होते हैं, एक अहिंसा महाव्रत होता है और एक अहिंसा अणुव्रत होता है। इसको भी आप नोट कीजिए, अहिंसा भी दो प्रकार की हो गई सारे के सारे। अहिंसा क्या है? हिंसा ना करना। ये दो प्रकार की हो गई, एक महाव्रत रूप और एक अणुव्रत रूप। महाव्रत रूप कौन पालन करेगा? साधु। अणुव्रत रूप कौन पालन करेगा? श्रावक। ठीक है, अब अणुव्रत जो श्रावक पालन करेगा, अणु माने क्या होता है? छोटा, थोड़ा सा व्रत पालन करेगा। वो क्या करेगा? त्रस हिंसा को त्यागी, वो त्रस की हिंसा नहीं करेगा। पांच प्रकार के जीव होते हैं हमारे, है ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। दो से तीन इंद्री वाले त्रस कहलाते हैं। एक सेकेंड, दरवाजा बंद करता। और एक इंद्री वाले स्थावर कहलाते। तो जो महाव्रती होते हैं, साधु होते हैं, वो किसी भी प्रकार के जीवों का संहार नहीं करते। मगर जो श्रावक होता है वो क्या करता है? त्रस जीवों की हिंसा को छोड़ देता है, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता, और स्थावर जीवों की हिंसा भी व्यर्थ बिना किसी प्रयोजन के नहीं करता। ठीक है, तो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री का त्याग करता है। अच्छा, इसमें थोड़ी डिटेल्स भी हैं कि त्याग कैसा करता है। अगर आपने सुना हो तो पांच प्रकार की हिंसाएं होती हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। तो इसमें मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। ये सुनी नहीं आपने चार प्रकार की हिंसाएं? सुनी है भैया। हाँ, तो जो श्रावक है उसका मात्र संकल्पी हिंसा का ही त्याग होता है, बाकी किसी भी हिंसा का उसका त्याग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाकी हिंसा का वो त्याग नहीं कर सकता। भाई उसे उद्योग, उसे नौकरी भी करनी है या धंधा करना है, उसमें हिंसा होगी। उसे विरोधी हिंसा, घर में कोई चोर वगैरह आ जाए, कुछ उचक्का आ जाए, कुछ हो जाए, तो उसे विरोध भी करना पड़ेगा, है ना। तो जितना उसे अपने रहने के लिए जरूरत है अपनी श्रावक अवस्था में, उतनी वो हिंसा कर लेता है। मगर संकल्पी हिंसा, किसी का संकल्प पूर्वक किसी को घात करूं, ऐसा वो नहीं करता। ठीक है, तो त्रस जीवों की हिंसा को वो कैसा त्यागता है? संकल्पी हिंसा को त्यागता है। और जो स्थावर जीव है उनकी हिंसा भी व्यर्थ नहीं करता, है ना, किसी प्रयोजन से करता है। जैसे मान लो घर में लौकी खानी है या कुछ खाना है, तो बाजार से जो है गए, खेत में से तोड़ के लेके आ गए, है ना, तो वो हिंसा है मगर वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अपने भोजन के लिए हो रही है। मगर व्यर्थ बिना किसी पर्पज के लिए चले और चलते फिरते जो है किसी पेड़ की पत्ती जो है ऐसे ही तोड़ ली, मसल ली मजे में, वो नहीं करता। हाँ पूर्वा जी। भैया, जैसे जिस श्रावक ने, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि संकल्पी हिंसा नहीं करते हैं जो, तो ये अणुव्रति कहलाते हैं? हाँ, अणुव्रति कहलाते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ये अणुव्रत जो होता है पूरी तरीके से, जो प्रतिमा पालन करते हैं उनका पूरा तरीके से अणुव्रत होता है। मगर जिन्होंने प्रतिमा नहीं ली, हम जैसे लोग, हाँ, वो भी अपने हिसाब से जितना जितना हो सके उतना उतना अपने को पालन करना चाहिए। ये जितने भी व्रत हैं, हिंसा हैं, जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते हुए हम भी सोचे कि अपन इनमें से कितना कितना हम पालन कर सकते हैं। अपन भी अपनी लिस्ट बनाए, है अंकिता जी, अपनी अपनी लिस्ट बनाए कि क्या क्या हिंसाएं प्रथमाधाई नहीं करता, उसमें से हम क्या क्या कर सकते, हम क्या क्या चीजें हम भी कर सकते हैं। और आप अपनी लिस्ट के हिसाब से उन चीजों को एक प्रैक्टिस के रूप में उसको जो है करना शुरू करें ग्रेजुअली। ओके, अब अगला आया हमारा अब ये अहिंसा हो गया अपने को स्पष्ट। ठीक है, अब अगला आया अपना वचन। वचन क्या करेगा? जैसे हमने कहा था हिंसा संकल्पी हिंसा नहीं करेगा,
उसी प्रकार वचन भी ऐसे नहीं बोलेगा जो कि संकल्प पूर्वक दूसरे का नाश करने वाले या कठोर निंदा योग्य ऐसे वचन नहीं बोलेगा जो उसके लिए अनुकूल ना हो। ठीक है, अपने वचनों में भी सीमा रखेगा कि मेरे वचन ऐसे हो जिससे कि जो जो पाप मेरे मतलब जो जो मेरे को वचन बोलने पड़ रहे हैं, मान लो कठोर वचन बोलने पड़ रहे हैं, है ना, व्यर्थ जो व्यर्थ ना हो, जो व्यर्थ हो ऐसे वचनों को वो नहीं बोलेगा। अब जैसे मान लो दुकान पे है और दुकान पे उसे अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ बोलना पड़ रहा है, वो एक अलग चीज है, मगर ऐसे बिना किसी प्रयोजन के अपन दूसरे का नाश करने वाले, बिना किसी प्रयोजन के अपन किसी का कठोर पूर्वक या निंदा पूर्वक उन वचनों को नहीं बोलेगा। और संकल्प पूर्वक, जैसे संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेगा, ऐसी आप समझो संकल्प पूर्वक वचन बोल करके किसी का घात या किसी के बारे में गलत वचन नहीं बोलेगा। मगर विरोधी है, आरंभी है, विरोध वाले काम है, आरंभ वाले काम है या अन्य काम वाले हैं, उसमें अगर वो वचन बोले तो एक बात अलग है। जैसे घर की महिला होती है, घर गृहस्थी संभाल रही है और मान लो घर पे चने खत्म होने वाले हैं, खत्म नहीं हुए, तो अपने पति को बोलती है खत्म हो गए जल्दी से ले आओ वरना कल बन नहीं पाएंगे, है ना। तो मतलब वो एक झूठ है एक तरीके से, बट वो झूठ जो उसने बोला है वो उसके आरंभी जैसे हिंसा होती है, समझो आप घर के आरंभ वाले कार्यों में ही एक प्रयोग हुई है, तो वो श्रावक के लिए योग्य है, वो अयोग्य नहीं। या अपने घर में बच्चों को डांटना है, उस समय कठोर वचन बोल रहे हैं, तो कठोर वचन बोल रहे हैं मगर उसे सुधारने के लिए बोल रहे हैं, तो वो उसके लिए ठीक है। ठीक है भैया, मन हिंसा जैसे वचन हिंसा हुई और ये काय हिंसा में संकल्पी हिंसा आ गया, हाँ। मन हिंसा, तो फिर मन हिंसा भी होती है ना, मन वचन काय हिंसा, तो मन हिंसा भी, हाँ, मन, हाँ, क्योंकि मन वाली हिंसा क्या होती है, सूक्ष्म होती है ना, तो उसके लिए जैसे अनर्थ दंड व्रत है उसके अंदर वाली चीज आएगी, तो अपन आगे बढ़ेंगे, मन वाली बात भी आएगी। ओके, हाँ, बट आपने अच्छा सोचा, उसकी बात भी आएगी आगे। जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने समझाया भी है वर्णी जी ने कि त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना और बेमतलब स्थावर जीवों की हिंसा ना करना, ये अहिंसा अणुव्रत है। जब गृहस्थ व्यापार आदि आरंभ का त्याग नहीं कर सकता, देखो व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसके संकल्पी हिंसा का ही त्याग है, वो संकल्पी हिंसा का ही मात्र त्याग कर सकता है। संकल्पी हिंसा का मतलब जानबूझ के हिंसा करना जिसका कोई पर्पज नहीं है। व्यापार आदि का जो आरंभ है, जो व्यापारी में जो व्यापार करने में जो उसकी हिंसा हो रही है, उसका वो त्याग तो करता है यत्न पूर्वक, फिर भी उसमें हिंसा हो जाती है, तो उसका इस गृहस्थ को त्याग नहीं है। मान लो किसी का गेहूं का व्यापार है, तो वो उसमें कोशिश तो करेगा मैं हिंसा ना करूं, मगर उसके बावजूद भी उसमें हिंसा हो जाएगी, तो उसका त्याग नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे वचन नहीं बोलेगा दूसरे का विनाश करें, जो कठोर वचन हो, मर्मभेदी हो, निंदा योग्य हो। वचनों में भी वो ध्यान रखेगा कि मुझे कैसे वचन बोलने और कैसे वचन नहीं बोलने। ठीक है, अब ऐसे ही अपना आया आगे अचौर्याणु व्रत और ब्रह्मचर्याणु व्रत। पांच प्रकार के अणुव्रत होते हैं, अहिंसाणुव्रत, असत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो ये इन्होंने अणुव्रत नहीं लिया ऐसा लग रहा है, चलो इसे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। जल और मिट्टी के सिवा कोई भी बिना दी हुई चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे हम कोई भी चीज ले लें, हमारे घर के अंदर की तो बात अलग है, बट बाहर में मिट्टी ले ली, जल ले लिया, अलग चीज है, बट कोई भी चीज को हमने बिना पूछे, जो उसका मालिक है उससे बिना पूछे ग्रहण कर ली, तो वो चोरी कहलाएगा। ये अचौर्याणुव्रत है। ठीक है, ये तो अपन समझते ही हैं। और ब्रह्मचर्य क्या है, अपनी स्त्री के सिवाय
अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहना चाहिए। अब देखो, अपनी स्त्री में आप पति भी लगा सकते हैं ऐसे अपने लिए, तो अपनी स्त्री में वो करना इसके लिए योग्य है। इसको बड़ा हम समझें इस बात को कि जैसे श्रावक होता है, ये श्रावक है तो श्रावक के लिए योग्य कार्य योग्य है, जो मतलब उसकी पद के पद को डिगाएंगे नहीं। और एक होता है अयोग्य, जो उसके लिए एकदम अयोग्य है उसे करना ही नहीं चाहिए। जो योग्य है उसके लिए, जो करने योग्य है उसमें कुछ पुण्य कार्य भी रहते हैं और पाप कार्य भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, ठीक है। अब अपनी स्त्री का सेवन करना भी पाप ही है, पुण्य नहीं है, मगर वो श्रावक है, उसे जो है अभी राग खत्म नहीं हुआ। अगर राग खत्म हो जाए तो साधु बन जाए, वो उसे रिकमेंड उपदेश तो यही है कि साधु बन सकता है, बन जा। साधु नहीं बन पा रहा तो अपनी भूमिका अनुसार अपनी स्त्री संबंधी वो सेवन करे तो उससे वो अपने श्रावक पद से च्युत नहीं होता। मगर वो अगर क्या करे, अयोग्य काम करना शुरू कर दे, वो जो है अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों का सेवन करना शुरू कर दे तो श्रावक पद से च्युत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम साधु को देखें तो साधु के लिए किसी भी स्त्री के बारे में कोई भी विचार करना, सोचना, वो सब का सब उसके लिए अयोग्य है। तो जो योग्य और अयोग्य, योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, इन दोनों की परिभाषा भूमिका के अनुसार चेंज हो जाती है। साधु के लिए कुछ और योग्य है, कुछ और अयोग्य है। श्रावक के लिए कुछ अलग चीज योग्य है और कुछ अलग चीज अयोग्य है। तो हर व्यक्ति के लिए उसकी भूमिका के अनुसार योग्य अयोग्य की डेफिनेशन बदल जाती है। तो यहाँ पर अपनी स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहे, ये श्रावक के लिए योग्य है। समझ में आया जी भैया? ओके। अब अगला है परिग्रह प्रमाण। परिग्रह प्रमाण का क्या मतलब होता है, इसमें भी योग्य अयोग्य की बात आती है परिग्रह प्रमाण में भी, कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। तो साधु के लिए क्या परिग्रह करना योग्य है बताइए, साधु किस चीज का परिग्रह कर सकता है? पिच्छी का मंडन का और शास्त्र। साधु को परिग्रह महाव्रत होता है ना, तो उसे कोई भी परिग्रह नहीं है, ठीक है। तो साधु के लिए कोई भी परिग्रह योग्य नहीं है, तो जो पीछे कमंडल है वो परिग्रह नहीं कहलाते, वो उनके उपकरण कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पीछे और कमंडल है वो उनके विषय भोग या किसी और के लिए नहीं प्रयोग होते, वो मात्र उनके संयम के उपकरण कहलाते। तो उनको क्या कहा कि आपके लिए कोई भी योग्य परिग्रह नहीं है, ठीक है, आपने सब कुछ अयोग्य ही है। मगर श्रावक के लिए क्या योग्य परिग्रह है, घर परिवार ये योग्य है। और क्या अयोग्य है, दूसरे का घर। अगर श्रावक दूसरे घर को अपने को अपना समझना शुरू कर दे, दूसरे के माल को अपना माल समझना शुरू कर दे, तो वो उसके लिए अयोग्य है, ठीक है। तो श्रावक के लिए योग्य क्या, उसकी जो अपनी चीज है वो योग्य है, तो उसके लिए क्या करता है वो परिग्रह, धन, धन नहीं लिखा मैंने, धन। तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत, तो वो क्या करता है अपने परिग्रह का परिमाण कर लेता है कि ये मैं ये श्रावक हूं और मेरे को अपनी जिंदगी में दो घर से ज्यादा नहीं रखूंगा, है ना, या फिर जो है मैं इतना ही धन रखूंगा वगैरह वगैरह। तो ये कई प्रकार के परिग्रह होते हैं, उन सबका अलग अलग प्रमाण कर लेता है। इतने ही मैं जानवर रखूंगा, इतने बर्तन रखूंगा, इतने साड़ियां रखूंगा, इतने पजेब रखूंगा, जो भी होता है उन सब चीजों का प्रमाण कर लेता है। ये प्रमाण उसने बाउंड्री एक बना ली, तो ये क्या कहलाता है, परिग्रह प्रमाण अणुव्रत, ठीक है। समझ में आया जी भैया? अब अगला है हमारा दिग्व्रत नाम का गुणव्रत। तो इसमें क्या है, हमने पांच तो अणुव्रतों की चर्चा करी, पांच अणुव्रतों की हमने चर्चा करी। कौन कौन से अणुव्रतों की चर्चा करी बताया कोई, अंकिता जी? पांच अणुव्रत कौन कौन से हैं? आचार्य, हाँ, सत्य,
हाँ परिग्रह हाँ और ब्रह्मचर्य। हाँ एक बचाया बस। अहिंसा। हाँ बहुत बढ़िया। तो श्रावक के 12 व्रत हो गए। 12 में हमने 5 व्रतों की चर्चा कर ली। अब जो ये अब आगे 5 अणुव्रत हो गए, उसमें फिर कुछ गुणव्रत होते हैं और कुछ शिक्षा व्रत होते हैं। अब गुणव्रतों की चर्चा यहां पर शुरू होती है। तो गुणव्रत में सबसे पहला आया दिग्व्रत। दिग्व्रत में क्या होता है, दिशाओं का परिमाण कर लेते हैं। दश दिश गमन प्रमाण, मतलब 10 दिशाएं होती हैं, है ना। आपका ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना। फिर इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट, इधर हो गया ईस्ट साउथ, है ना, वेस्ट साउथ, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और एक हो गया ऊपर टॉप, ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा, और एक नीचे की अधो दिशा। तो कुल मिला के 10 हो गई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिशाएं होगी। तो 10 दिशाओं का प्रमाण कर लेते हैं कि भाई देखो, मैं जो हूं पूर्व में कहां तक जाऊंगा, पूर्व दिशा में मैं आसाम से आगे नहीं जाऊंगा, पश्चिम दिशा में कहां तक जाऊंगा, पश्चिम दिशा में मैं मुंबई से परे नहीं जाऊंगा, उत्तर में कहां तक जाऊंगा, उत्तर में मैं जबलपुर के आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे करके, है ना, दिशाओं का प्रमाण कर लिया। ये क्या कहलाता है, दिग्व्रत कहलाता है। इससे क्या फायदा हुआ, उसके आगे उसके बाहर जो भी हो रहा है उससे मुझे ना कोई राग है ना कोई मुझे द्वेष है, उसके अंदर की चीजों से ही मेरे को राग और द्वेष है, उसके अंदर की चीजों से मेरा व्यवहार है, बाकी का बाकी से मैं पूरा वीतराग हो गया। ठीक है। अब तो ये होता है दिग्व्रत। ये दिग्व्रत है और ये गुणव्रत का पहला गुणव्रत है। इसका नाम है हमारा दिग्व्रत। अब अपन गुणव्रत कितने, तीन तीन गुणव्रत होते हैं, तीन गुणव्रत होते हैं और चार शिक्षा व्रत होते हैं। तीन गुणव्रत के नाम क्या है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। पहले हमारे दो टेक्निकल वर्ड्स आए थे, सकल चारित्र और एक देश चारित्र। उसके बाद हमारे टेक्निकल वर्ड्स आए अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, 5 3 और 4। अब गुणव्रत में फिर से तीन और टेक्निकल वर्ड्स आए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। अब हमने दिग्व्रत की बात कर ली, अपन देशव्रत की बात करेंगे। अब मान लो आपने जो है अपनी दिशाओं का तो आपने कर लिया कि भाई मैं यहां तक नहीं जा सकता, वहां तक नहीं जा सकता, मगर जिन दिशाओं में आपने बोला कि भाई मैं उत्तर में कहां तक जाऊंगा, जबलपुर तक जाऊंगा, और पश्चिम में कहां तक जाऊंगा, पश्चिम में मैं जो है मुंबई तक जाऊंगा, मगर उसके अंदर भी अब अगर मैं कुछ सीमा बांधना चाहूं कि भी अगले 1 महीने तक, अगले 1 महीने जो है मैंने सोचा अगले 1 महीने तक बस मैं पुणे में ही रहूंगा, पुणे के बाहर नहीं जाऊंगा, तो जो दिशाओं का प्रमाण किया था उसके अंदर भी कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए, है ना, दिग्व्रत नियम के पश्चात उस दिग्व्रत की सीमा के भीतर गांव गली बाजार आदि में प्रमाण करना। ठीक है। दिग्व्रत में जितने क्षेत्र मर्यादा थी उसके भीतर घड़ी घंटा महीना आदि समय के लिए, पर जो हमने दिग्व्रत में मर्यादा करी थी उसके भीतर भी कुछ, जैसे मान लो 1 दिन के लिए या 1 घड़ी के लिए, घंटे के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, अब मैं पुणे से बाहर नहीं जाऊंगा, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या नियम हो गया, ये नियम हो गया हमारा देशव्रत। या अब मैं रात को सो रहा हूं तो जब तक मैं सुबह उठूंगा तब तक मेरा घर के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, या जिस चारपाई में लेटा हूं उस चारपाई से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, इसी चारपाई में पूरे दिन रहूंगा, पूरी रात भर रहूंगा। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हैं, उनके बारे में कोई बता रहा था, मुझे पता नहीं, मतलब कोई बता रहा था कि वो जब रात को सोते हैं तो वो नियम ले लेते हैं कि जिस तख्त पे मैं सो रहा हूँ बस उस पे ही पूरी रात बिताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इससे बाहर मैं नहीं निकलूंगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनके लिए नहीं हुआ, उनके लिए तो वो उनके यहाँ देशव्रत दिग्व्रत नहीं होते साधुओं के लिए, बट मैं एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कैसे अपन नियम ले लेते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, 1 महीने के लिए मान लो नियम ले लिया कि मैं पुणे से बाहर नहीं जाऊंगा, तो पुणे के बाहर ही किसी भी चीज से मेरा व्यवहार नहीं है, तो ना कोई राग है ना द्वेष, बस पुणे के अंदर की चीज से ही मेरे को राग या द्वेष होगा, उससे बाहर की चीज से मुझे कोई भी मतलब नहीं।
तो मैंने राग द्वेष अपना क्या किया, सीमित कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत जो है इसमें आपके मन की बात भी आ जाएगी। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? अनर्थ दंड व्रत वैसे मन की बात तो बहुत चीजों में आती है, परिग्रह में भी आती है, ब्रह्मचर्य में भी आती है, और यहां पर भी आती है। अनर्थ दंड इसका क्या मतलब है? ये बिना हुआ है अन जमा अर्थ जमा दंड। अर्थ माने होता है प्रयोजन और दंड का मतलब होता है मन वचन और काय की पाप क्रिया। तो अन माने नहीं या बिना, बिना प्रयोजन के मन और वचन काय की पाप क्रिया का जो त्याग है वो अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। बिना प्रयोजन के मन वचन काय की पाप क्रिया अनर्थ दंड व्रत कहलाती है। मतलब हम मन से कोई ऐसा विचार करें जिसका कोई पर्पज ही नहीं है, ठीक है, वचन से ऐसा कोई बोले जिसका कोई पर्पज ही नहीं है, काय से ऐसा कुछ बोले जिससे कोई हमें फायदा ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अनर्थ दंड कहलाएगा। और उस अनर्थ दंड को छोड़ देना वो अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। आप लोग एग्जाम्पल कुछ सोच के बताएंगे, ऐसे जो बिना प्रयोजन के हम कोई काय की क्रिया या वचन की क्रिया या मन की क्रिया करते हों। मन से तो भैया बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ये भी ले आएंगे वो भी ले आएंगे, हाँ ये कपड़े खरीद लेंगे, खरीदते नहीं है बट सोचते हैं कई बार तो बहुत सारी चीजें। बहुत ही ऐसा घर होना चाहिए, हमारा बड़ा घर होना चाहिए, छोटे घर रहते रहते परेशान हो गए ये गाड़ी पुरानी हो गई नई गाड़ी ले लेंगे हम, इस तरह से भैया। सही बात है, ये मन का हो गया। तो जैसे मान लो किसी के लिए आपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव हो गए, ईर्ष्या कोई प्रयोजन तो नहीं है हमारे लिए, है ना, ईर्ष्या हमने करीब सा कोई प्रयोजन नहीं है। अब जैसे मान लो मैं बिजनेस करता हूँ और मान लो दाल चावल का बिजनेस करता हूँ, तो अब मुझे पता है कि हाँ भाई ये गेहूं का टाइम आने वाला है अभी मार्च अप्रैल में, तो मुझे गेहूं मंगाना है, तो मुझे गेहूं को मंगाने का राग करना वो मेरे लिए अनर्थ दंड नहीं है, मेरे लिए वो प्रयोजन पूर्वक है, ठीक है ना, वो ठीक है ना, उसका लिए प्रयोजन है कि मुझे धंधा करना है। बट अब वो धंधा करते हुए मेरे कुछ ऐसे विचार आए, मान लो मेरी बिक्री हुई और सामने वाले की बिक्री ज्यादा हो गई और मुझे ईर्ष्या होने लगी, तो जो ईर्ष्या है वो है तो पाप, उसका कोई प्रयोजन नहीं है मेरे लिए, मेरे कोई फायदेमंद नहीं है वो, है ना, तो वो क्या हो गया, अनर्थ दंड हो गया मेरे लिए, ठीक है। ऐसी वचन है, मैं वचनों का प्रयोग कर रहा हूं कि अरे यार वहां से जो है पांच गेहूं बोरी ला दो, ये ला दो, सब आरंभ क्रिया है, उसमें सब हिंसा हो रही है। बट मैं ऐसे वचन का प्रयोग कर रहा हूँ, किसी को डांट रहा हूँ, डपट रहा हूँ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन के किसी को डांट रहा हूँ, बिना प्रयोजन के किसी को गाली दे रहा हूँ, बिना प्रयोजन के किसी की, अब मानो किसी की चुगली कर रहा हूँ, किसी की निंदा कर रहा हूँ, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो वो जो बिना अगर मैं अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ वो एक अलग चीज है, बट बिना प्रयोजन के मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो अनर्थ दंड हो गया। ऐसी काय है, काय की हम क्रिया देखेंगे, काय में हम अपने काय की कोई क्रिया कर रहे हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है, जैसे जा रहे हैं पेड़ मिला और पेड़ का हमने पत्ता मसल दिया और ऐसी मजे के लिए, तो वो क्या हो गया, अनर्थ दंड हो गया। तो काम हमें मन वचन काय को क्या करना, मन वचन काय को पुण्य धर्म में लगाना, और अगर हम उसे शुभ कार्य में नहीं लगा पा रहे हैं, अशुभ में हमें लगाना पड़ रहा है अपनी गृहस्थी की वजह से, तो उतना ही लगाना जितनी की हमें प्रयोजन है, जहां हमारा प्रयोजन नहीं वहां पर हमें उसे नहीं लगाना। अब पूर्वा जी समझ में आया ये? जी भैया। उषा जी? जी भैया समझ आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी।
बहुत बढ़िया भैया, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। लाइक परिग्रह में, घर के काम वाम में तो हम अनर्थरण का मतलब समझ में आ गया, बट कई बार हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिनसे भी हमारे को कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और हम कर्मोदय से या जो भी कारण से बहुत कुछ सोच लेते हैं, फिर जब कर्म शांत होते हैं तो हम वापस से अपने थॉट चेंज करके सीधे भी हो जाते हैं, तो ये जो बेकार के विचार आ जाते हैं भैया, ये इनको क्या कहेंगे? और हाँ, तो वो अनर्थ दंड हो सकते हैं, अगर उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है आपके लिए, बिना मतलब प्रयोजन का क्या मतलब होता है, उसका कोई पर्पज है, उसका कोई पर्पज ही नहीं है। जैसे मेरे मन में विचार आया कि मैं जो है अपनी पिताजी के लिए गिफ्ट लेके आऊं या अपनी बहन के लिए एक तोहफा लेके आऊं, तो मैं गया, मैंने राग किया, सोचा बेचारा मैं कौन सा तोहफा लूं, अरे 5 दुकान है, उन 5 दुकानों पर ट्राई करता हूँ कहां मेरे को अच्छा मिलेगा, कहां मेरे को सही चीज मिलेगी। तो ये सारा का सारा विचार है तो पाप ही, क्योंकि गृहस्थी कार्य कर रहे हो, मगर वो अनर्थ नहीं है, वो अर्थ है, मतलब उसमें प्रयोजन है। मगर ऐसे हम कुछ विचार कर रहे हैं उल्टे से दीजिए, कोई पर्पज नहीं हो तो आप ही समझ पाएंगे उनका कोई पर्पज है या नहीं है, है ना? उनका कोई पर्पज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सब अनर्थ दंड हो गया। ठीक है भैया, है ना, ये यूजलेस हो गया। तो ये हम सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि, पहली बात तो ये भी हम समझें, ये हम सब लोग संसारी जीव, इस तरह के विचार सबके आते ही हैं उल्टे सीधे, कि कम या ज्यादा आते ही हैं। तो मगर हमें क्या कोशिश करनी है, ये इस प्रकार का अनर्थ दंड ना करें, क्योंकि पाप का बंध हमारा बहुत ज्यादा होता है। अपन देखें, जब भी हम कोई विचार सोचे ना, हम सोचें मेरे लिए यूजफुल है क्या यूजलेस है, ठीक है? अर्थ मतलब प्रयोजन, प्रयोजन मतलब वो मेरे लिए यूजफुल है। अगर कोई कषाय मेरे लिए यूजफुल है तो हम उसको करें, और वो कषाय मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो उसे ना करें। जब यूजलेस है कषाय तो अपन क्यों करें उसे? भैया अभी तक तो ऐसे सोचा ही नहीं था, टू बी ट्रू, मतलब हम कभी रियलाइज ही नहीं करते थे कि हमने ऐसा सोच लिया और हमने मतलब इतने पाप। अब ये ऐसा प्रोसेस अब स्टार्ट होगा मेरे एंड से, तो मैंने नहीं सोचा भैया टू बी ट्रू कि ऐसे करना चाहिए। हाँ भैया, टाइम वेस्ट भी करते हैं और पाप का भी बंद करते हैं, दोनों ही चीजें। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, और आप सोच रहे हो ऐसा करने को, इसके बारे में ये भी आप होमवर्क लिख सकते हैं कि हम अनर्थ दंड के अंदर ये भी होमवर्क हम दे सकते हैं कि अपन सोचें कि कौन कौन से हमारी विचार यूजफुल हैं और कौन कौन से यूजलेस हैं, और बस हम इसको डिस्टिंग्विश, हम बस ये कॉन्शियस हो जाएं इस चीज के कि कौन से यूजफुल हैं कौन से यूजलेस हैं। हम कॉन्शियस हो गए तो स्लोली स्लोली अपने आप ही हमारे यूजलेस वाले हम खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, खत्म तो नहीं होंगे अभी बट कम हो जाएंगे, और यूजफुल वाले ही हमारे ज्यादा होंगे। जी भैया, है ना, बट हम कॉन्शियस तो होना शुरू करें कि कौन से यूजफुल है और कौन से यूजलेस है। बिल्कुल, यस, ठीक है। तो अपने 7:55 हो गए, 5 मिनट बचे हैं, इसको हम अनर्थ दंड को पूरा कर देते हैं मोटा मोटा। बिना प्रयोजन से पाप को, ऐसे कार्य को अनर्थ दंड कहते हैं, इसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड 5 होते हैं, ये अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाचर्या, हिंसादान और दुश्रुति, ये बड़े बड़े शब्द हैं। इनका मतलब क्या है, किसी का वध करना, बंधन करना, धन हानि, जय पराजय आदि का चिंतन करना। किसी का वध करना, बंधन करना, धन हानि, जय पराजय आदि चिंतन करना, उस वो अपध्यान अनर्थ दंड है। उनका त्याग करना सो अपध्यान विरति अनर्थ दंड व्रत है। अब बताइए, T20 मैच हो रहा है, उसमें जय पराजय का चिंतन कर रहे हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है कि यूजलेस है? useless. उसमें तो देशभक्ति भी नहीं है, उसमें दोनों टीम में वो भी है क्या, भारतीय भी है और बाहर के भी है, उसमें क्या यूजफुल है? अगर आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो तो लोग बोलते भी हैं कि भाई यूजफुल है, हमारे देश की बात है, बट यहाँ तो देश की बात भी नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे ना इंद्रिय सब पूरा हो रहा है ना, मन को अच्छा लग रहा है मैच देख के। नहीं वो तो हाँ, हाँ। अच्छा, आज तक तो ये रियलाइज ही नहीं किया था ना कि अब जैसे अभी हम जब भी मैच देखते हैं इंडिया इंडिया करते हैं कि इंडिया जीत रहा है, तो इट्स लाइक देशभक्ति वाली, बट अब लग रहा है कि नहीं ये तो यूजलेस ही है, मतलब इस दुनिया में सब कुछ ही यूजलेस है, यूजफुल है ही नहीं, बट वो जिस लेवल की बात है, किस लेवल पे क्या यूजफुल क्या यूजलेस, अल्टीमेटली सब कुछ यूजलेस ही है। मगर आप देशभक्ति का देखो तो IPL तो बिल्कुल ही यूजलेस है, वहां देशभक्ति भी नहीं है,
है ना, सही, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं तो, मैं मतलब मुझे मालूम नहीं ज्यादा, बट आईपीएल में तो मेरे ख्याल से हर टीम में हर देश के होते हैं, है ना? हाँ भैया, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं उसमें प्लेयर्स, एक टीम में। ठीक है। और पापोत्पादक खे व्यापार खेती आदि के उपदेश का त्याग करना, सो पापोपदेश नदनते। चलिए अपन इसे थोड़ा और कल मतलब अगली बार करेंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने पांचों अणुव्रत कर लिए और तीन गुणव्रत में देशव्रत, दिग्व्रत और अनर्दनव्रत हमने समझ लिया। अब इसके पांच भेद हैं, वो अपन पांच भेद अपन कल नेक्स्ट टाइम करेंगे। और फिर सामायिक, प्रोषदोपास और भोगोभोग परिमाण, ये शिक्षा व्रत हैं चार प्रकार के, वो हम करेंगे और फिर अपन छठ पांचवी ढाल पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपन एक हो सकता है चौथी ढाल का एक टेस्ट लें। ठीक है, तो कोई आज के प्रकरण में से कोई प्रश्न हो आपको तो बताइए। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं है भैया। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जनवाणी माता की जय। का जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र।